मिलावटी खाद्य पदार्थ और नकली स्तरहीन दवाओं के कारोबार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने जबलपुर में भी एक प्रयोगशाला खोलने का निर्णय लिया है। गुरुवार को इस प्रयोगशाला का विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री तरुण भानोट और सामाजिक न्याय मंत्री लखन गंगोरिया और विधायक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह प्रयोगशाला 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें मिलावटी खाद्य पदार्थ और दवाओं के सैंपल की जांच प्रारंभ हो जाएगी। अभी तक खाद्य विभाग के द्वारा जब्त किए जाने वाले सैंपलों को भोपाल की लैब में जांच के लिए भेजा जाता है, जिसकी रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। भूमि पूजन के बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने मंच से बोलते हुए अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिलावटी पदार्थों की जाँच के दौरान अधिकारी जाँच के सैंपल में फेरबदल कर देते हैं, जिससे जाँच के नतीजे प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें खाद्य विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब सरकार ऐसे अधिकारियों पर नजर रखेगी। इस पकड़ा धकड़ी में लगे हुए हैं, क्या हर जिले में 5-10 ऐसे ही अधिकारी अच्छे पढ़े लिखे संविदा में लगा के आप पकड़ा धकड़ी ज्यादा नहीं करवा सकते हैं क्या? ये लेबोरेटरी 1 साल में बन जाए, नहीं तो मिलावट वाले इस लेबोरेटरी को बनाने में भी समय जाया करवाएंगे। जब ये बनेगी नहीं तो जांच कहां से होगी? जांच कहां से होगी? और भैया मैं तो इतना जानता हूं, अगर जब हम में नहीं है दोष तो काय का असंतोष? अगर आप मिलावटी नहीं बेच रहे हो तो आपको असंतोष नहीं होना चाहिए।